अब खांसने की आवाज से चल पाएगा टीबी का पता। आवाज रिकॉर्ड कर टीबी के संदिग्ध मरीजों की हो सकेगी तत्काल पहचान। सरकारी अस्पतालों में अब तक क्षय रोगी यानी टीबी का पता बलगम की जांच या एक्सरे सीबी नॉट मशीन के जरिए लगाया जाता था, लेकिन अब खांसने की आवाज मात्र से ही बीमारी का पता चल पाएगा। केंद्र सरकार ने 2025 के लक्ष्य को देखते हुए टीबी के पूरे देश से खात्मे को लेकर लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। केंद्र सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश भर में टीबी की आवाज़ के नमूने ऐप के जरिए इकट्ठे करके टीबी का पता लगाया जा रहा है। अब टीबी कप कनेक्शन ऐप फील्डी नाम के मदद से अब संभव हो पाएगा। नागौर से 58 नमूने लिए गए हैं, जिनमें टीबी के सक्रिय रोगी उनकी कनेक्ट में आए लोगों की पहचान ऐप के जरिए हो सकेगी। दो हफ्तों से ज़्यादा खांसी होने पर टीबी संदिग्ध मरीजों की पहचान करने के लिए खांसी के नमूने ऐप के जरिए लिए जाएंगे, ताकि पूरे देश से टीबी का खात्मा इस ऐप के जरिए किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार निरंजन आर्य आज अपने गृह जिले पाली जिले की यात्रा पर रहे हैं। उन्होंने रायपुर, रोहट व सोजत उपखंड के कई गांवों का दौरा किया है। रोहट के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय जम्बूरी जो जनवरी 2023 को पाली जिले के रोहट में आयोजित होने वाली है, उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया है। अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक आयोजित की है। इस मौके पर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के अलावा यहाँ के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा पंचायत समिति सभागार रोहट के अंदर बड़े स्तर पर यहाँ की प्रधान सुनीता कंवर एवं कांग्रेस नेता महावीर सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में नागरिक अभिनंदन किया गया है। यहाँ पर भी उन्होंने अपने अंदाज के साथ ग्रामीणों के साथ संवाद कायम करते हुए हर समस्या के समाधान का पूरा भरोसा दिलाया है। इसके अलावा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आयोजित होने वाली इस जम्बूरी को लेकर तमाम जानकारी मुख्यमंत्री के सलाहकार निरंजन आर्य को दिए। जनवरी 2023 में 62 साल बाद राजस्थान में ये जम्बूरी आयोजित हो रही है, जिसमें देश भर के 35,000 स्काउट गाइड भाग लेंगे। उसकी तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं और उसी तैयारियों का जायजा लेने निरंजन आर्य रोहट पहुंचे थे। भरतपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी विवाह में पुलिस अधिकारी बनकर कन्यादान के रूपों को चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। भरतपुर में शादियों में कन्यादान चोरी करने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी को कोतवाली थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भुसावर थाना इलाके का रहने वाला है, जो कि नकली आईपीएस और पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। आरोपी चंद्रशेखर मीणा शादी विवाह में सच दर्ज कर जाता, जिस थाना क्षेत्र में मैरिज गार्डन होता उसी थाना क्षेत्र का पुलिस अधिकारी बन जाता। इसके बाद शादी में आने वाले मेहमानों से अपना परिचय पुलिस अधिकारी के तौर पर ही देता, अपने आप को बेटी के पिता का रिश्तेदार बताता, जिसके बाद यह कन्यादान लिखने वाले के पास बैठ जाता था और बातचीत करते नज़दीकी बढ़ाकर उसका सहयोग करता, फिर उसे अपनी बातों में उलझा लेता था, जिसके बाद वह कन्यादान को लेकर फरार हो जाता था। कोतवाली थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी से कई बड़े खुलासे हुए हैं। करीब आधा दर्जन वारदातों को स्वीकार किया है। बीकानेर में आज सुबह दुख भरी खबर आई। दरअसल सुजान देसर में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई। दोनों श्रमिक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। गंगासैर थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, जिसमें गैस टेस्टिंग चल रही थी, इसी के दौरान वहाँ पर हादसा हुआ। हादसा एक तरह से कहिएगा इतना भीषण था कि छत के परखच्चे उड़ गए और इस दौरान एक श्रमिक की मौके पर मौत हो गई, तो वहीं दूसरा जो श्रमिक है उसने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना के बाद गंगासैर थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह, सीओ पवन भदौरिया, एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर निगम के कार्यवाहक आयुक्त ने भी मौके का दौरा किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉयलर इस गति से फटा कि सब कुछ बिखर गया। आसपास कई मोबाइल भी मिले और दोनों श्रमिक जो हैं एक तरह से इस भीषण हादसे के शिकार हो गए।